मंगलौर देवबन मार्ग पर प्लास्टिक बैग बनाने वाली निजी फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि झबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कणवाल के बेटे की कार आज सुबह देवबन की ओर से मंगलौर की ओर जा रही थी। वहीं तेज रफ्तार कार अचानक बिजली के खंभों से जा टकराई, जिससे बिजली के तार आपस में टकराए और फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। तत्काल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि फैक्ट्री में आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने से फैक्ट्री में स्वामी को लाखों रुपयों का नुकसान होने का अनुमान है। मंगलौर से आग लगने का तो ये है कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ खंबे से टकराई, उसके बाद लाइट चली गई, उसके बाद में फिर उन्होंने लाइट छोड़ दी होगी विद्युत विभाग वालों ने, उसके बाद अंदर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद में उसके सारे में आग लग गई। ये घटना जो कोतवाली मंगलौर द्वारा जो फायर यूनिट को सूचना मिले कि ये देवबंद रोड पर आग लगी है, जिस पर हमारी एक गाड़ी मंगलौर, दो गाड़ी रुड़की, एक भगवानपुर, एक हरिद्वार द्वारा जो गाड़ी मंगाई गई, जिस जो आग जो कंट्रोल में है, आग आग की जो है जांच करने के बाद ही कारण जो का पता चल पाएगा।